आज के बाद ना हम जब भी चाय पियेंगे या गर्मा गर्म पोहे खाएंगे ना, तो एक कप चाय और एक प्लेट पोहे ना हम अपने अपने ऋषि के लिए जरूर रखेंगे। सीरियल सुमन इंदौरी में आया बेहद ही इमोशनल ट्विस्ट, जहां सुमन के घर में उसके भाई की शोक सभा रखी गई है। घर में सभी मौजूद हैं और सभी की आंखें नम हैं। वहीं तीरथ बेहद उदास नजर आता है और सुमन के परिवार वालों को समझाने की कोशिश कर रहा है ताकि वे इस गम से बाहर आ सके। इसके साथ ही कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तीरथ सुमन को सांत्वना देने की कोशिश करता है और अपनी बातों से सुमन के चेहरे पर मुस्कान लाने की भी पूरी कोशिश करता है। वह सुमन को चाय भी पिलाता है, साथ ही सुमन के भाई की बातें करते हुए उन्हें याद दिलाता है। आज के बाद ना हम जब भी चाय पियेंगे या गर्मा गर्म पोहे खाएंगे ना, तो एक कप चाय और एक प्लेट पोहे ना हम अपने अपने ऋषि के लिए जरूर रखेंगे। सुमन की आंखों में आंसू तो हैं, लेकिन तीरथ की बातों से वह धीरे धीरे इस गम से उबर रही है। तीरथ सुमन के भाई की फोटो की तरफ देखकर कहता है, अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। वेल हाँ, मतलब ऑब्वियसली बहुत गमगीन माहौल है और तीरथ कभी ये नहीं चाहते कि सुमन की आंखों में आंसू आए या उनकी कोई भी परिवार का कोई भी हिस्सा उनके आंखों में आंसू, चाहे माँ हो, बुआ हो, बहन हो, कोई भी हो। बट तीरथ की एक कंसर्न यही है क्योंकि जो उसकी आखिरी इच्छा थी ऋषि की, वो यही चाहता था कि सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सुमन की तीर्थ के ऊपर आ जाए और तीर्थ हमेशा उनका सपोर्ट करे। एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ। वो कभी नहीं चाहते कि ये रोएं इवन उसके जाने के बाद भी। ऑफ कोर्स बहुत ही हैवी लॉस है सुमन के लिए, क्योंकि ऋषि उसका सब कुछ था, लाइक अ यंगर ब्रदर, लेकिन वाज यू नो हर वर्ल्ड। लेकिन वो इस लॉस के साथ डील कर रही, लेकिन साथ बाय साइड ये भी ऑब्जर्व कर रही है दैट तीर्थ कितना ट्राई कर रहा है सबको यू नो कुछ खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सबका ध्यान रख रहा है, नॉट जस्ट हर बट ऑल्सो हर फैमिली। तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट बढ़ रही है तीर्थ के लिए। ये एक्चुअली काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस थ्रू आउट द शो अगर आप देखोगे तो ऐसे ऐसे डायलॉग्स है जिसका एक अंडरटोन वाला मीनिंग है। तो वो स्टार्टिंग से ही फ्लैशेस में वो दिखा भी रहे, हाँ फ्लैशेस में वो दिखा भी रहे हैं दैट मैं इतना ऊपर चलूंगा तो छू भी नहीं पाएगी मुझे। एंड सुमन यूज्ड टू फील समथिंग एट दैट टाइम, लेकिन वो उसको समझ ही नहीं आता था कि ये क्या है, बट कुछ गलत है। एंड हियर वी आर। आई गेस सुमन वैसे ही तीर्थ के घर वालों के साथ उसकी उतनी नहीं बनती है। वो तो उसने बोला था कि मैं इस घर की दहलीज पे कभी कदम नहीं रखूंगी, लेकिन सीइंग तीर्थ हाउ ही चेंज, वो काफ़ी डायलॉग में बोलती है कि शायद मैं ही गलत थी, दैट ऑल नेताज आर नॉट द सेम। तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। बट हाउ शी इज गोना डील विद बीइंग इन अ हाउस जहाँ पर एवरीबॉडी हेट्स हर, वो आपको आगे के एपिसोड्स में देखने। वेल, सीरियल में आए इस इमोशनल ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।